नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नवनीत हरोर। क्या आपकी स्किन ऑयली है? क्या आपकी स्किन एक्ने और पिंपल से सफर कर रही है? क्या आप अपने स्किन को और बेहतर बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है और ड्राई और सेंसिटिव है, तो आपको अपनी स्किन की जाँच जरूर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से करानी चाहिए। अब मैं आपको ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए कुछ टिप्स दूंगा। आपको अपनी स्किन के लिए एक मॉर्निंग और नाइट का स्किन केयर रूटीन प्लान करना पड़ेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपना फेस दिन में दो बार किसी फेस वॉश से वॉश कीजिए और आपको अपनी स्किन को सूट करने वाला सही फेस वॉश के साथ ही वॉश करना है। आपको जेल बेस्ड फेस वॉश यूज करना होगा जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर आपको इन इंग्रेडिएंट्स के यूज से इरिटेशन होता है तो फिर उसका यूज करना बंद कर देना चाहिए और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। सेकेंड टिप है, चेहरे को सोप से नहीं वॉश करना। सोप से धोने से स्किन का नेचुरल एसिडिक पीएच और कम हो जाता है जिसकी वजह से स्किन काफी ड्राई हो जाती है और फिर इस ड्राइनेस को कॉम्पनसेट करने के लिए स्किन काफी एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करती है और आपका फेस और ऑयली हो जाता है। थर्ड टिप इज, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग ये अज्यूम करते हैं कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। डिहाइड्रेटेड स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है। मॉइस्चर लेवल को बैलेंस करने के लिए आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। आपको नॉन कॉम्बोडोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो कि जेल बेस्ड होना चाहिए क्योंकि वो लाइट होता है। ऑयली या हैवी मॉइस्चराइजर अवॉइड करना होगा। फोर्थ टिप इज, सनस्क्रीन का यूज कीजिए। ऑयली स्किन को भी सनस्क्रीन की उतनी ही जरूरत है। आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना होगा जिसका एसपीएफ मिनिमम 30 होना चाहिए। ये सनस्क्रीन आपको यूवीए और यूवीबी रेज से भी बचाती है। और जो सनस्क्रीन है वो वाटर या एक्वस बेस की होनी चाहिए और नॉन कॉम्बेडोजेनिक होनी चाहिए जिससे बिल्कुल भी एक्ने ना हो। तो ये थे कुछ टिप्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और टिप्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक यू।